सीएम ने मानसिक रूप से बीमार बच्चों के सेंटर का फीता काट कर किया उद्घाटन। यूपी के रामपुर में अब मानसिक रोग, विकसित रोगी और शारीरिक रोगों से ग्रस्त बच्चों का निःशुल्क इलाज करने के लिए रामपुर के जिला अस्पताल में बनाए गए सेंटर का फीता काट कर रामपुर जिलाधिकारी ने उद्घाटन किया और संक्रामक रोगों से बचने के लिए टिप्स भी दिए। साथ ही डीएम ने जिला अस्पताल के औचक निरीक्षण भी किया। वहीं डीएम आयुष्मान से जुड़े कार्ड भी चेक किए गए। साथ ही केंद्र सरकार ने सुस्वास्थ्य योजनाओं को लेकर भी सुस्वास्थ्य विभाग के अधिकारी से वार्ता की। वहीं इस मौके पर सीईओ डॉक्टर सुबोध कुमार शर्मा, सीएम डॉक्टर मित्तल सहित अन्य डॉक्टर भी मौजूद रहे। वहीं डीएम ने दिव्यांग बच्चों और नेत्रहीन को सर्टिफिकेट्स भी दिए। जी सर, आज जिला चिकित्सालय में आपने निरीक्षण किया है, क्या दिशा निर्देश का? देखिए, एक तो संचारी रोगों का इस समय चल रहा है, तो एक तो निरीक्षण का की वजह ये भी है कि हम ये देखें कि कितने सारे पेशेंट यहाँ पे उस कम्युनिकेबल डिजीज या संचारी रोग से पीड़ित होकर यहाँ पे आ रहे हैं और उनके लिए क्या हॉस्पिटल में उतनी बेहतर व्यवस्था है। बहुत सारी शिकायतें भी आती हैं, तो शिकायतों में क्या सच्चाई है, फिर किस तरीके से हम पेशेंट्स की सुविधा बढ़ा सकते हैं, इवन डॉक्टर्स की कमी है उसको किस तरीके से टैकल कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को लेके विजिट किया था। कुछ खामियां मिली हैं, उन खामियों को दुरुस्त करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। सीएमएस की भी खामियां मिली हैं, उस पर हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। ठीक।